नमस्कार साथियों, मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने क्लास सीटेट के इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी प्यार बनाए हुए हैं, बहुत ही तहे दिल से आभार आप सभी का कि आप अपना प्यार और स्नेह इस तरह बनाए रहें और वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें। कीड़ी और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्या होता है, इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जो है नए नए कंटेंट अच्छे चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों सभी फ्रेंड्स सभी को और अवगत करा दें और लाइक करें सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के आज की हम शुरुआत करते हैं सीटेट की क्लास। और पूर्व में हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं क्लिक करके। बहुत सारी बेसिक से सभी चीज़ें दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन A to Z। अगर जुलाई में होता है सीटेट तो सही है, और नहीं होता है तो दिसंबर में तो कन्फर्म है, लेकिन जुलाई एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हो भी सकता है, नहीं है। आफ्टर एंड ऑफ दिस मंथ मतलब अप्रैल के लास्ट तक पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो जैसा भी है जुलाई को टारगेट करके हम लोग करेंगे फिर फिलहाल, और नहीं भी होता है तो प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे। और दिसंबर तो होता ही है, उसमें कोई कन्फर्म नहीं। तो आज हम लोग EBS पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भाई संतोष सर, 14 अप्रैल 2023। और एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, सीटेट जुलाई दिसंबर। एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी, ELEPHANT, एलिफेंट आप दोनों जानते होंगे शुरू से। चलिए, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी जो है उसे क्या है? कीचड़, मड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें खेलना बहुत पसंद है। इससे क्या होता है, हाथी को ठंडक मिलती है, बड़े बड़े उसके शरीर होते हैं, और जब वह कीचड़ वगैरह में खेलता है और पानी आप देखते हैं वह फुहारा मारता है अपने सूंड से, क्या होता है तो इससे उससे क्या है अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है और शरीर को उसे राहत मिलती है। तो ये हाथी के पहला जो है मेरिट्स हुआ। इनके कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर ये कान हिलाकर जो है ठंडे का एहसास लेते हैं। कान आप देखते होंगे हाथी का बड़ा बड़ा ऐसे कान होता होगा, तो इससे क्या होता है जब भी उन्हें गर्मी लगती है, जैसे हम लोग गर्मी लगती है तो क्या है पंखा का यूज करते हैं, या किसी पेड़ पौधे के पास जाते हैं, या बेना वगैरह होता है घर में वो डुलाते हैं, या AC वगैरह का यूज करते हैं। तो उसी तरह उनके जो है वो उनके तो हाथ वगैरह तो है नहीं, कैसे ऐसे पैर पैर ही हाथ का काम है, तो करते क्या है अपने ऐसे 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 देखते होंगे जब भी उन्हें गर्मी होगी तो ऐसे ऐसे लाएंगे, इससे क्या होगा हवा ऐसे लगेगी और उन्हें ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगी। ठीक है, ये बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे ही पूरे दिन में ये सोते हैं। ठीक है, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का वजन का होता है। जो 3 महीने का हाथी होता है कितने होता है? 200 किलोग्राम का होता है। इस पॉइंट जो भी आपको बताया जा रहा है इसको नोट करेंगे, क्योंकि यहीं सब परीक्षाएं पूछी जाती है, पूछ दिया जाएगा कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 100 किलोग्राम, 200, 300, 400, आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो पढ़े रहेंगे तो पॉइंट्स को अप्रोच के लिए उसी तरह पूछ दिया जाएगा कि किन के कान सबसे बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। तो हाथी के कौन कीचड़ में खेलना पसंद करता है, ऐसे बहुत सारे। कौन हाथी हाथी दिन में कितने दिन सोते हैं, कितने घंटे, ये सब पूछा जा सकता है। तो ठीक है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झाड़ियाँ खाते हैं। ठीक है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झाड़ियाँ खाते हैं। परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प टू ईच अदर, सबसे बड़ी बात है। जानवर भी अपने जो है साथियों की मदद करते हैं, अपने जो भी उसके बच्चे होते हैं उसके जो सगे संबंधी सभी हैं, तो हेल्पिंग टू ईच अदर। जैसे आप भी क्या है, आपके जो भी रिलेटिव हैं या सेल्फ फैमिली के या अदर्स, तो उसकी भी क्या है आप परेशानी आने पर उनकी क्या है मदद करते हैं। वैसे ही हाथी जो भी अपने जो रियल्स होते हैं उनके चिल्ड्रेन रिलेटिव सभी की वो क्या है मदद करते हैं एक दूसरे के। इनके झुंड में 10 या 12 हाथी नहीं और बाकी बच्चे होते हैं। इनकी जो झुंडे होती हैं, एक एक बार देखते होंगे हाथी का झुंड चल दिया है तो क्या है उसमें 10 से 12 जो है झुंडे होती हैं
और उसमें क्या है, 10 से 12 जो जो झुंडे होती है उनकी, वो हथनी ही होती है और बाकी उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे कन्फर्म है, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। सबसे बड़ी बात है, जो हाईएस्ट जिसकी उम्र ज़्यादा है, सबसे लीडर वहीं होती है, जो हथनी होती है वो क्या है, लीडर होती हैं उनके झुंड की। कौन हथनी जिनकी उम्र सबसे अधिक है वहीं उनकी लीडर होती है, वहीं जैसे जैसे कहती है आगे चलती है वैसे वैसे सब फॉलो करते हैं, ठीक है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और वह झुंड छोड़ कर चला जाता है। मतलब एक जो है हाथी 14 से 15 साल तक उस झुंड में रहता है, उनके साथ चलता है, सीखता है, घूमता है, फिरता है, हर चीज़ों को जानता है, और इस तरह वह दक्ष होता है। जैसे आप अभी क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड होंगे और क्वालिफाइड भी होंगे, और मैं भी यह चल रहा होगा, उसके बाद ये सीटेट के लिए आप क्या है तैयारी कर रहे हैं दक्ष होने के लिए, और बेटर उसके बाद जो है वेरियस स्टेट में अगर जो एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाइंग करेंगे, या डायरेक्ट जहाँ सिलेक्शन होता है हो, उससे हो जाएंगे। तो आप भी अभी क्या है दक्ष हो रहे हैं। तो 14 से 15 साल तक इसी तरह हाथी झुंड में रहता है, उसके बाद झुंड छोड़कर चला जाता है। इसीलिए जैसे आप भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आफ्टर जब जब आपके सभी सिलेक्शन हो जाए जाओ, तो आप भी क्या है क्लासेज को छोड़कर चले जाएंगे। सोता है ये नेचुरली ऐसा होता है, क्योंकि अब आपकी अब दुनिया अलग हो जाएगी, फिर अब बच्चों में चले जाएंगे, वहाँ आप पढ़ाने लगेंगे, आपकी उस दुनिया हो जाएगी, फिर नए अभ्यर्थी आएंगे, नए कैंडिडेट आएंगे, वो क्लासेस ज्वाइन करेंगे। इस तरह प्रक्रिया है क्या है, लगातार चलते रहेगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो झुंड होते हैं जिसमें 10 से 12 जो है हथनी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और उसमें जो टॉप एजेज होती हैं हथनी वो उसकी लीडर होती हैं, तो उसमें हाथी जो है मात्र 14 से 15 साल तक उस झुंड में वह उनके साथ चलते रहता है, और उसके बाद वह मैच्योर हो जाता है और अपने स्वयं आश्रित हो जाता है और झुंड छोड़ कर चला जाता है अपने रोजी रोटी और रोजमर्रा। बाकी उसकी उसके उसके बाद उसकी उसकी लाइफ हो जाती है, अपनी इंजॉय करता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही जो भी समझता है। जैसे आपकी आफ्टर जॉब हो जाएगी, आफ्टर 18 ईयर्स आफ्टर जॉब, उसके बाद क्या है आप भी फ्री हो जाएंगे, आपकी एक अलग दुनिया हो जाएगी। तो इसी तरह सेम जैसे ह्यूमंस हैं वैसे एनिमल्स पर भी आप लेकर कोरिलेट करेंगे तो बहुत ही चीज़ें आसानी से आप समझ सकेंगे। एक बार फिर से चलिए चलते चलते रिवाइज करा देते हैं क्या है, क्योंकि हम आपको रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बार नहीं समझ में, बार बार देखिए वीडियो को, हर बार देखिए, यूज करके देखिए। हम ऐसा चीज़ें आपको पढ़ा देते हैं कि जो चीज़ें आपको क्लास में ही समझ में आ जाए, फिर भूलने की याद ही नहीं, नौबत नहीं है। फिर से एलिफेंट हाथी के बारे में पढ़ना है, और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है होता है। इससे क्या होता है, उन्हें ठंडक मिलती है और इनके कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर ये कान हिला कर जो है ठंडक का एहसास लेते हैं और अपने शरीर को आराम देते हैं। ये बहुत कम आराम करते हैं और दिन में मात्र एक दो से एक दिन में मतलब 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम का वजन का होता है, साथ ही एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ता और झाड़ियाँ खा लेते हैं। परेशानी आने पर ये एक दूसरे की मदद करते हैं, और इनके झुंड में 10 या 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी बैक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह आप प्यारा और स्नेह बनाए रखें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।